आपका अपना मैकेनिकल्स लवर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आप लोग का टॉपिक है TIG, इसे बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। टीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, इसे हम GTAW बोलते हैं। क्या नाम है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। SGAW का क्या फुल फॉर्म होता है? शील्डेड गैस आर वेल्डिंग। सब कुछ नाम में ही छिपा हुआ है, ठीक है। अगर आपको नाम याद हो गया तो आप सारा प्रोसेस इजीली याद रख लीजिएगा। पहला नाम देखिए क्या है, SGAW, क्या है? शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग। तो समझ लीजिए कि शील्ड होगा, गैस होगा, आर्क होगा जिसको वेल्डिंग करना है, ठीक है। इसमें तीन टाइप्स आते हैं, टिग, मिग और SMAW, ठीक है। आज आपको हम पढ़ा रहे हैं टिग वेल्डिंग। तो क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस। तो समझ लीजिए, टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा, इनर्ट गैस मतलब इनर्ट गैस हम यूज करेंगे, ठीक है। मेनली समझ गए तो TIG का फुल फॉर्म टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब देखिए डायग्राम, ये आपका डायग्राम है TIG का, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया वर्क पीस इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये आपका है इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड क्या चीज का है? टंगस्टन का है, याद रखिएगा। अभी आपको बताए थे TIG में टंगस्टन इनर्ट गैस, तो इलेक्ट्रोड क्या चीज का है? टंगस्टन का है। ये आपका क्या है? वेल्ड टॉर्च। आपको इससे पहले लेक्चर में बताए थे कि टॉर्च एंगल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। ये आपका किससे कनेक्ट है? बोथ AC और DC पावर सप्लाई से, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि TIG में हम AC और DC दोनों यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा पॉइंट है, यहाँ देखिए एक कूलेंट बनाया हुआ है। कूलेंट का मेनली यूज क्या है कि वेल्डिंग टॉर्च जब हीट से हीटअप हो जाएगा तो कूलेंट से हम कूल कर सके, ठीक है। अब देखिए ये किससे कनेक्ट है? ये कनेक्ट है एक गैस सिलेंडर से। इस गैस सिलेंडर में क्या क्या भरा हुआ है? हीलियम और आर्गन का मिक्सचर है। मेनली हीलियम का वेटेज ज्यादा है, हीलियम है 75%, आर्गन है 25%। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि हीलियम कितना होता है? 75% होता है, आर्गन 25% होता है। सेकेंड, जो हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो क्या होता है? नॉन कंज्यूमेबल होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, नॉन कंज्यूमर होता है। तो डायरेक्ट हम आपको इसी डायग्राम से फुल डिस्क्रिप्शन आपको हम दे देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका टंगस्टन है। टंगस्टन क्या? पावर सप्लाई AC चाहे DC पावर सप्लाई कनेक्ट है। जैसा सारा प्रोसेस में होता है, क्या होगा? करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो टंगस्टन क्या होगा? हीटअप होगा, हीटअप होगा तो क्या होगा? वेल्ड होगा, लिक्विड मोल्टन मटेरियल कन्वर्ट कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसमें हम फिलर मटेरियल का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते एज पर रिक्वायरमेंट। आगे आपको हम बताएंगे कि वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हीलियम प्लस आर्गन का जो मिक्सर है वो पास करवाते हैं, ठीक है। वेल्डिंग टॉर्च से वो गिरता है तो वो के हीलियम क्या करता है? ये एक स्लेग का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। स्लेग का फॉर्मेशन किसे कारण होता है? हीलियम एंड आर्गन कर रहे हैं, हीलियम एंड आर्गन का मिक्सर के कारण स्लेग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसका यूज आपको पता है कि एटमोस्फेरिक से रिएक्शन होने से बचाता है, ठीक है। और ये क्या है आपका? आर्क है जिस पॉइंट पे आपका वेल्ड हो रहा है, ठीक है। ये आपका स्लेग है जो प्रोवाइड क्या करता है? शील्ड, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? शील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए और आगे क्या क्या है, फिलर मटेरियल का यूज है, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया था कि फिलर मटेरियल हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलर मटेरियल का हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे डिपेंड करता है? मान लीजिए आपका थिकनेस लेस देन 5 mm है, ऑब्वियसली बात है अगर लेस देन 5 mm है तो हम फिलर मटेरियल का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम हीट करके ज्वाइन करवा देंगे। लेकिन अगर थिकनेस प्लेट का ग्रेटर देन 5 mm है
तो अब तो फिलर मटेरियल का यूज होगा, फिलर मटेरियल का यूज हो रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल हमको मिल रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल मिल रहा है, तो शेप कैसा होगा, यू वी जे शेप में होता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। ठीक है, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे भी आपको हम बताए थे कि इसमें एसी सप्लाई भी होता है, डीसी सप्लाई भी होता है, दोनों का यूज है। देखिए क्या करते हैं, एसी हम जानते क्या होता है, अल्टरनेट करंट हाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो एसी क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, मतलब एक अपर हाफ साइकिल होता है, एक लोअर हाफ साइकिल होता है, एक अपर हाफ साइकिल, एक लोअर हाफ साइकिल। तो क्या कहते हैं, एसी को हम सप्लाई करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में। याद रखिएगा, एसी कब चलता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में। तो जैसे जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल में चलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और एक ऑक्साइड लेयर। ठीक है, हीट और ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस करता है, मतलब आप जानते हैं कि करंट का फ्लो होने से हीट जनरेट होता है, ये तो आप जानते हैं। तो एसी हो रहा है तो ये भी तो करंट ही है, एसी सप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में एसी सप्लाई करेंगे तो हीट प्लस ऑक्साइड लेयर जनरेट हो रहा है। तो इस ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए हम अदर हाफ में क्या यूज करा लेते हैं, डीसी सप्लाई यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट करंट सप्लाई जैसे यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, रिमूव करता है ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैथोडिक क्लीनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैथोडिक क्लीनिंग का मतलब क्या है, कि जो ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए हम डायरेक्ट करंट सेकेंड हाफ में सप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है, ऑक्साइड लेयर रिमूव हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कैथोडिक क्लीनिंग। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आपको कुछ फीचर्स याद रखना होगा, सम फीचर्स। ठीक है, किसका, टीआईजी का फीचर्स, टीआईजी का, टंगस्टन इनर्ट गैस का, क्या है, रिक्वायर्ड शॉर्ट आर्क लेंथ। देखिए आर्क लेंथ क्या रखना होगा आपको, शॉर्ट रखना होगा, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट मतलब एलए जो है, एलए क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जितना कम हो सके। ठीक है, सेकंड बोलता है, ए कांस्टेंट गैप इज मेंटेन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस, वही है शॉर्ट आर्क लेंथ। अगर जितना इलेक्ट्रोड मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड और वर्क पीस का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए, लगभग 1.5 से 3 एमएम का। टीआईजी को मेजर करने के लिए एक टेस्टिंग मशीन होता है, इसका नाम है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग मशीन। ठीक है, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग मशीन, ये एक याद रखिएगा, यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग मशीन क्या हेल्प करता है मेजर करने के लिए, कितना हम पेनिट्रेशन किए, उसका पोरोसिटी ईटीसी सबको मेजर करने के लिए हम रेडियोग्राफिक टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, नाउ सम एडवांटेज ऑफ टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस क्या होता है, टीआईजी वेल्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर डक्टाइल। ठीक है, क्या होता है, टिग वेल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और ज्यादा डक्टाइल होता है, नो क्रोजन नो फ्लक्स, नहीं इसमें क्रोजन बनता है नहीं फ्लक्स यूज होता है। ठीक है, शील्डिंग गैस आर ट्रांसपेरेंट सो ऑपरेटर कैन ऑपरेट इजली, ये मेनली आपको सेल्फ नॉलेज के लिए, जो बिल्डिंग पर्पज में कहीं कोई फील्ड में जाएगा उसके लिए, कि हम टीआईजी में क्या होता है, जो शील्डिंग गैस बनता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट से क्या होगा कि जो ऑपरेटर है वो इजिली ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, नाउ लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब कितना लिमिट है इसका। ठीक है, पहला है, बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ इनर्ट गैस कूलेंट एंड कूलेंट पंप कॉस्ट इज हाई, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं, कूलेंट यूज कर रहे हैं, कूलेंट पंप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉस्टिंग हाई हो जाता है। इससे पहले आपको बताए थे कि टी अगर लेस देन 5 एमएम है तो कोई फिलर मटेरियल यूज नहीं करेंगे, अगर टी ग्रेटर देन 5 एमएम है तो फिलर यूज करेंगे, फिलर यूज करेंगे, वो क्या क्या शेप में होता है, यू भी जे शेप में होता है, अगर फिलर मटेरियल यूज नहीं करेंगे तो क्या शेप में होता है, स्क्वायर, स्क्वायर शेप में ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये आपको पहले लेक्चर बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है, इवन थ्रू टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज नॉट मेल्टेड बट इफ टेम्परेचर इंक्रीज इज मोर देन एटम ऑफ टंगस्टन मे गेट डिफ्यूज फ्रॉम द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इंटरिंग इन टू द वेल्ड पूल विच विल इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ वेल्ड बीड। तो क्या बोलता है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि टंगस्टन का टेम्परेचर क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन फिर भी इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जो एटम ऑफ टंगस्टन है डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा और किस, वो अपने टिप पे डिफ्यूज हो जाएगा और इंट्रिंग किस पे करेगा, वेल पूल में इंट्रिंग कर सकता है। ठीक है,
ये आपका डायग्राम आप देखे थे, ठीक है। इसमें एक पार्ट और था, ये नोजल। नोजल किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, जहाँ से स्पार्क करता है। अब देखिए, इतना हाई टेम्परेचर पे अगर स्पार्क करेगा तो ऑब्वियसली ये नोजल किस चीज़ का बना होना चाहिए, अलमुना और सेरामिक का बना होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नोजल क्या चीज़ बना होता है, अलमुना और सेरामिक का बना होता है, जो क्या करता है, हाई हीट को रेजिस्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हाई हीट को रेजिस्ट करता है, इसलिए हम अलमुना और सेरामिक को कहाँ यूज करते हैं, एक नोजल पे यूज करते हैं, ठीक है।